हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, फिलहाल जो भी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है वो 8 बज गए हैं। सो मम्मी जी ने बोला था कि आज 6:30 बजे उठ जाना, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फिलहाल तो खैर आज साबुन से भी नहीं नहाते, तो मैंने ऐसे खाली पानी से नहाया अभी। तो फिलहाल नहा धो के तैयार हो भी, तो चलते नीचे मम्मी जी के साथ हाथ बटाते हैं। आज पंडित जी भी आने वाले हैं, श्राद्ध व्रत की तैयारी करते हैं। फिर पता नहीं मुझे आपसे बात करने का कब टाइम मिलेगा। जब भी मिलेगा तो हम कर लेंगे बातचीत। लगता है बारिश हुई है ऐसे मौसम को देख के। अरे हनी, गुड मॉर्निंग। चाचू, चाचू का है नहीं? अरे ये तो यहाँ है। हाँ जी महाराज, गुड मॉर्निंग। क्या बोल रहे ये तो हनी है, हनी हमारा, हनी कुत्ते का बच्चा। आओ उसको खाना खिलाते, चलो चलो हनी को बिस्किट खिलाएंगे इसके। ये रखे यहाँ पे, ये लो, आ जाओ उसको बाहर लेके आओ। तो यहाँ बन रही है खीर, यहाँ बन रही है सब्जी, ये दूध गर्म हो रहा है। और गाइस यहाँ मैं बना रहा हूँ मम्मी जी और मेरे लिए ग्रीन टी। क्या वो रिजेक्ट कर दिया मेरे को? टाइट हो गया। आपने बोला टाइट टाइट बांधना। बाय बाय, हम जा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी पंचमेवा लेने के लिए और गाय का थोड़ा सा गोबर लेने। ये दो आइटम बहुत ज़रूरी हैं, पंचमेवा और गाय का गोबर। चलिए जी, लेट्स गो। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ मिल सकता है। सो अंकल जी ला रहे हैं गाय का गोबर। गुलाब बड़े सही हो रहे अंकल जी के, वहाँ ले जाऊँ क्या? किसकी कलम छोटी सी। भैया का फोन आया अभी, बोल रहे पंडित जी आ गए, तो बस अंकल जी गोबर दे फिर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका, मिल गया हमको गोबर, चलते हैं। लो जी यहाँ लग गया जाम, यही होता है हमारी कॉलोनी में। चल जी पहुँच गए घर। आ जाओ। हाँ ओके सर। धूप हो रही है खतरनाक वाली। गाय कहाँ है? अंदर बांधी हुई है क्या? हेलो काऊ माता, ओ काऊ माता, मारना माता। काऊ माता आराम से खाना। चलिए तो पंडित जी को उनके घर छोड़ करके आते हैं। पंडित जी को छोड़ दिया, अब चलते हैं घर को। चलिए जी पहुंच गए घर। हनी हम आ गए, आ जाओ अंदर आ जाओ। गाइस मैं लगा रहा हूँ मम्मी जी के पैर में मूव, और साथ मुझे इसमें मसाज भी लगानी है, मतलब ये जो मशीन है, हाँ ये वाली मसाज मशीन, ये लगा रहा हूँ। मम्मी जी ने आजकल ना पैदल चलना बिल्कुल छोड़ दिया, तभी पता दर्द हो रहा है मुझे, पता आपके पैरों में। पर गलत बात है ये, सुबह दूध लेने जाया करो, सुबह दूध लेने पहले की तरह। खराब हो गया। चलिए जी मम्मी जी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। चलिए गाइस खाना लग गया, खाना खाते हैं। फिलहाल तो मैं ले रहा हूँ भांग की चटनी, और ये लग गया हमारा खाना। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, अब आई मम्मी जी की बनाई हुई फेवरेट खीर मेरी। सो फिलहाल कोई भैया आए हुए हैं, दीदी का पार्सल आया हुआ देने के लिए, सो इनसे पार्सल रिसीव करते हैं। चलिए गाइस खाना वाना हो गया, अभी औषाण सा आ रहा है पूरी वूरी खाने के बाद। फिलहाल तो है मूवी चल रही है बाहुबली। सो गाइस 2:30 बज गया है, मैं फिलहाल जा रहा हूँ वन प्लस के सर्विस सेंटर। तो मेरे गले में हेडफोन देख रहे हैं आप, इसी को चेंज कराने जा रहा हूँ मैं सर्विस सेंटर। तो चलते हैं, मौसम तो बारिश वाला हो रहा है। चलिए गाइस पहुँच गया मैं या ऊपर, ये सर्विस सेंटर वन प्लस का, चलते हैं। ये है सर्विस सेंटर। फिलहाल गाइस इन्होंने तो मुझे वेट करने के लिए बोला है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा अपने लाइफ पे। ठीक है धन्यवाद, तो कब तक आओ उसको लेने के लिए? चलिए गाइस हो गया काम, अब चलते हैं घर की तरफ। चलिए गाइस मिल गई हमको रिसीविंग, और गाइस फाइनली हेडफोन बदल गया, हेडफोन की रिसीविंग ले ली मैंने। अब मेरे को जरा मार्केट जाना है, लेकिन मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है यार, बारिश आ सकती है ऐसा लग रहा है। चलिए जी हम मार्केट चलते हैं और एक दो जो काम है वो निपटा करके आते हैं। सो गाइस रोडवेज पहुँचते, देखिए इतनी बड़ी बस मिल गई मुझे मेरे सामने, अभी बस लगाने वाली, लंबा चौड़ा जाम पक्का देख लेना। आप फिर से यहाँ पर आए हैं एमआरएफ के शोरूम में, जरा कुछ बात करनी थी इनसे टायर के बारे में। चलिए यहाँ से काम हो गया, अब चलते कहीं और।
फिर मुझे कराना अपनी स्कूटी का लॉक चेंज। ग्रंथ क्या करता है, बार बार चाबी खो देता और एक ही चाबी है इसकी, तो यहाँ पता करता राजा मोटर्स में इसका लॉक कितने तक का पड़ेगा। चलिए गाइस हेलमेट भी देख लिया, बातचीत भी हो गई, अब चलते हैं घर को। फिर एक बस ने घेर लिया है, क्या हो गया आज, और सामने का स्कूटी नहीं होती निकल जाता अभी तक मैं। चलो 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 चलो, अब बता रहे हैं स्कूटी का लॉक 700-800 रुपये का। ऐसा करता हूँ एक और चाबी बनवा लेता हूँ इसकी, ये ज़्यादा सही रहेगा। चलिए गाइस तो फाइनली पहुँच गया घर के नज़दीक में, बस कॉलोनी में एंटर होने वाला हूँ। तो मौसम ख़राब हो, बारिश हो, इससे अच्छा पहले कि घर पहुँच जाओ, और यही मैंने किया, घर पहुँच गया टाइम से। चलिए जी पहुँच गया घर। तो हल्ला गुल्ला इतना हो रहा है ना हमारे घर के आसपास, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो भाई देता हूँ भैया को, देखता हूँ भैया का रिएक्शन कैसा होता है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नहीं। क्या नहीं वो देंगे एक दो दिन बाद, अभी स्टॉक में थे नहीं। कैसा लगा आपको ये समाचार सुन के? सर्विस रिकॉर्ड है, वन प्लस है थोड़ा सा। हमें लगा 2000 रुपए हमारे नहीं फूकेंगे, हर साल 2000 रुपए डालेंगे। तो फिर ऐसे तो इससे पहले भी डालते क्या? मुझे मतलब ऐसे क्या 94 10 11 83 32 का नंबर है, सर्विस सेंटर का नंबर है। अरे लिखा था सर्विस सेंटर नंबर, देखो सी को कुछ भाभी जी से जो मैंने भेजी वन प्लस वालों को। अच्छा डियर सर, हाँ मेरे खुद को हंसी आ रही। आई मेल यू द एड्रेस ऑफ सर्विस सेंटर, बट यू डोंट रिप्लाई बैक मी, ठीक है, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम वरना विश्वास उठ जाएगा। सच्ची में मेरे मीवी के हैं, सच्ची में मेरे मीवी के हेडफोन खराब हुए थे, उन्होंने बिना कुछ बोले चेंज कर दिए थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज डू समथिंग। देखो विश्वास चल वन प्लस ठीक लिख रखा है। सच्ची में मेरे मीवी के हेडफोन खराब हुए थे, उन्होंने बुरा कुछ बोले चेंज कर दिए थे। आप ईसा क्यों कर रहे अटैक ना आ जाएगा इसको, अतीत में चला गया होगा। चलिए गाड़ी के टायर चेंज करने, कहाँ चेंज करने। चलिए गाइस सो फिलहाल मैंने अपने फोन को चार्ज में लगाया हुआ था, तो अभी चार्ज से निकाल लिया मैंने। अब मैं फिलहाल भुट्टे बुन रहा हूँ, हमारे चाचा महाराज जी हमारे साथ में है, हमारी भुट्टे बुनने में हमारी सहायता कर रहे हैं, है ना। और ऑलमोस्ट हमारे भुट्टे मतलब जो है भुने गए। चलिए जी भुट्टे भून लिए हमने। ओम जी लो, थैंक यू बोलो, थैंक यू। गाइस थोड़ा शाम का टाइम हो गया, चाचू घूम के आते हैं। आओ चाचू, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दौड़ी 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 दौड़ी। हाय शाश, ये 1 2 3 दौड़ 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 1 2 3 दौड़ 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 दौड़। एक जाने बोला, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, आ जाओ वहाँ जाओ, सीधे 1 2 3 दौड़ 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 1 2 3 दौड़ 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 दौड़। अरे अभी गिर गई थी, अब पाकर कर दिया पा। चलो चलते। सो गाइस फिर मैं ऊपर आ गया था, मैंने कहा 7 बज गए, पूजा पाठ करने का टाइम हो गया, मैंने कहा थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं। और मैं थोड़ा सा अपने चेहरे को ठीक कर रहा था सामने शीशे में देख करके, और पता क्या हुआ अचानक से,
ये भाई साहब खड़े पीछे मेरे, और पीछे खड़े के बोले क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने कहा कौन जो आ गया, चलो मंदिर चलो, यहाँ नहीं यहाँ मंदिर, मंदिर यहाँ आ जाओ बैठ जाओ, चलो जय करो। जय करना आता ही नहीं इसको, आता है वैसे नोटिंग करते जाते हैं। चलिए जी पूजा पाठ हो गई हमारी, चाचा यहाँ देखो, अरे शाबाश जय श्री देवता। चलो चलिए गाइस, फिर इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करने का टाइम आ गया है, सो करते हैं इस व्लॉग को एंड। वैसे तो अभी 7 ही बजे हैं जिस पूजा पाठ करके मैं आया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि व्लॉग बहुत लंबा ना हो जाए, सो गाइस व्लॉग को फिर एंड करते हैं। और गाइस सच में बताओ आज बहुत हंसी आई, इनफैक्ट भैया भाभी जी को, आज का व्लॉग ही का टॉपिक यही था कि क्यों हंसे मेरे भैया भाभी जी क्योंकि रीज़न ये था कि मैंने इतना खतरनाक वाला मेल भेजा था, और अच्छी बात है ना वो मेल के वजह से भैया का जो 2100 रुपये का जो हेडफोन है वो भी रिटर्न हो गया और नया मिलेगा कल परसों, तो कल परसों वो लेने जाऊंगा, तो वो व्लॉग भी बनेगा। और गाइस कल का जो व्लॉग है वो बहुत अच्छा और बेहतर बनने वाला है, कल है 22 सितंबर, आज 21 तारीख है, कल 22 सितंबर है। आजकल मेरे जो व्लॉग है वो एक दिन लेट आ रहे हैं, वो थोड़ा सा हो गया था बीच में, एक दो दिन का गैप आ गया था, तो कल जो है गाइस रोहित पहाड़ी व्लॉगर है एक बहुत बढ़िया, उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में कल वो पार्टी दे रहे हैं बढ़िया वाली, तो कल उन्होंने मुझे इनवाइट किया उस पार्टी में, तो कल मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे। खैर ये चाचू को तो नहीं लेके जाऊँगा, मैं ही जाऊँगा अकेले है ना। और गाइस अच्छी बात ये कि आजकल व्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ में होती है, और ये जो व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ आजकल वो भी ज़्यादातर व्लॉग इसी के साथ में एंड हो रहे हैं। चलिए गाइस फिर आज के व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करूँगा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे बेहतर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्टैंड लगाने भूल गया, और ये जो ताला है ये कल रात भैया ने लगाया था, इतना खतरनाक लॉक है वैसे लगा दिया, खुल नहीं रहा है, चाबी मेरे पास में आई है। मम्मी जी भी परेशान हो गई, दीपाली भी परेशान हो गई, फिर ग्रंथ ने आकर के हमें बताया कि कैसे खुलेगा ताला करके, हम सब परेशान हो गए थे, ये खुल ही नहीं पा रहा है हमसे। फिर ग्रंथ ने बोला चाबी को फेंको, ताले को ऐसे उठा करके निकाल लो।